अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा हरदोई के तत्वावधान में भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम गादी भवन में आयोजित हुआ, जिसमें वृंदावन से आए महंत रसराज दास महाराज जी ने दीप प्रज्वलित कर व विधि विधान से मंत्रोच्चारण कर भगवान परशुराम का पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके उपरांत शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रजनी तिवारी व क्षेत्राधिकारी विनोद कुमार द्विवेदी ने भगवान परशुराम जी की आरती व पूजन कर कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में नाम रोशन करने वाले विभिन्न प्रतिभाओं को महंत रसराज दास महाराज व रजनी तिवारी क्षेत्राधिकारी विनोद कुमार द्वारा सम्मानित किया गया। आज अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव का कार्यक्रम गांधी भवन में मनाया जा रहा है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राज्य पदाधिकारियों द्वारा। साथ में हरदोई जिले के और अन्य जिलों से भी गणमान्य व्यय प्रबंध यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम संगठन की तरफ से जो प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित भी करने का काम किया जाएगा। दीपोत्सव कर दीपक जलाकर पूजन कर भगवान परशुराम जी का यहाँ पे भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव बड़ी भव्यता से मनाया गया। अभी आप सब ने देखा कि भगवान परशुराम जी के जन्मदिन को बहुत ही उत्साह के साथ में यहाँ पे मनाया गया। बड़ी संख्या में यहाँ विप्र समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित थे और वाकई में ऐसा लग रहा था कि हम कोई उत्सव को मना रहे हैं। भगवान परशुराम के जन्मदिन पे यही संदेश है सबके लिए कि हमारे पास भगवान ने आपको बुद्धि दी, विवेक दिया, ज्ञान दिया, पराक्रम दिया, उसके साथ उसका प्रयोग हम लोग इसलिए करें कि किसी के साथ में अनीति ना हो पाए, किसी के साथ अत्याचार ना हो पाए, किसी का शोषण ना हो पाए। जहाँ कहीं पे भी अगर ये चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे भी हम अपने पराक्रम का इस्तेमाल करें और किसी को भी परेशान न देखें, सब सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुँचाएँ, इसमें सब लोग सहयोग करें ताकि हमारा प्रदेश और हमारा देश खुशहाल हो। आज यही संदेश सबके लिए।